गौर जबरदस्त सवाल, ध्यान देखिए, बहुत क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स इक्वल टू, इतना खतरनाक फंक्शन दे रखा है, ये रहा एफ एक्स, नहीं कि इतना खतरनाक फंक्शन दे रखा है तो एफ एक्स के बारे में पूछ लें, उसे एक और फंक्शन जी एक्स बना दिया गया है। चलो देखते हैं, बोलते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू, बहुत बर्बाद सा फंक्शन है, कट गई है, एक्स नॉट इक्वल टू, भाई एक्स जीरो, जब एक्स जीरो नहीं होगा तो इसका यूज करेंगे और जब एक्स जीरो होगा तो सिंपल वैल्यू पाई बाई टू। चलो बात करते हैं, वेयर फ्रैक्शन पार्ट, कर्ली ब्रैकेट इज द फ्रैक्शन पार्ट, पता ही हमको, कंसीडर अनदर फंक्शन जी एक्स, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, जीरो पर भाई साहब एफ एक्स और जी एक्स क्या डिस्कस करनी है, कंटिन्यूटी। चलो पहले एफ एक्स से शुरुआत करते हैं, अगर हम एफ एक्स से शुरुआत करें तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना सबसे आसान काम है, जो कि एफ ऑफ जीरो हो जाएगा, बेहतरीन पाई बाई टू लिख देंगे, ये तो आ गया हमारे पास। आओ लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं से निकलेगी और राइट हैंड लिमिट भी यहीं से निकलेगी, लेकिन दोनों को ध्यान से इवैल्यूएट करना है। चलो इवैल्यूएट करते हैं, सबसे पहले मैं क्या सोच रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर राइट हैंड लिमिट आप निकालने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान सुने, राइट हैंड लिमिट अगर आप निकालने जा रहे हैं तो एक्स अप्रोचेस जीरो प्लस, एक्स जीरो से बड़ा होगा। अब जरा पहले सोच लो, जो फ्रैक्शन पार्ट एक्स होगा वो बनेगा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और जीरो से चिन्हन मिनन बढ़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, तो इसकी वैल्यू खुद एक्स ही आ जाएगी। क्लास में पढ़ाया भी है कि भैया कभी भी कोई पीस वाइज फंक्शन अगर दिख जाए तो उसकी लिमिट निकालने का एक ही तरीका, पहले उसको गायब करो, तो हम उसको गायब करें। चलो देखें, तो यहां पर लिख देंगे, दोबारा से लिख रहा हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो प्लस, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, चुपचाप एक्स लिख दीजिए, अच्छा लगे हाथ तो देखो, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स कितना होता है, कॉस इनवर्स, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर बन जाएगा साइन इनवर्स वन माइनस एक्स, और नीचे भाई साहब कितना आ जाएगा, रूट टू इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब। ये हमारा लेफ्ट साइड का फंक्शन, ये हमने राइट हैंड साइड का फंक्शन कर लिया। आओ लिमिट देखें, आओ चौक बड़ी कर लेते हैं, लिमिट अगर हम देखें इसकी तो लिमिट निकालने में ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो अगर x को जीरो रख दो तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स वन, तो साइन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई टू, तो कोई खास बात नहीं है। तो यहां पर देखो लिमिट x अप्रोचेस जीरो प्लस कॉस इनवर्स, यार कॉस इनवर्स की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है, कॉस इनवर्स ऑफ एनी क्वांटिटी इज नथिंग बट साइन इनवर्स वन माइनस उस क्वांटिटी का स्क्वायर, इसको डब्बा टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ एनी एक्सप्रेशन इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, तो यहां पर भी ये कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, यार बहुत दुख देगा ये तो, खैर कोई बात नहीं, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज बच्चों बन जाएगी साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बिल्कुल भी शक्ल ठीक नहीं है इसकी, खैर चलो यार, साइन इनवर्स ब्रैकेट वर्क खोल देंगे तो बनेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज पावर फोर। अब आप चीजें लिखें, तो ये चीज बन गई साइन इनवर्स रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज पावर फोर, इसकी वैल्यू आ गई पाई बाई टू, यहां रूट टू पढ़ा ही हुआ था, यहां से एक्स कॉमन ले लिया तो वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। साइन इनवर्स के अंदर वाली चीज जीरो जा रही है, सेम जीरो से डिवाइड कर देंगे और सेम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, सब पैंतरे सिखाए हुए हैं आपको। आइए देखें कहां तक गाड़ी पहुंची, अब देखो इसमें अगर वन रख एक्स को जीरो रख दोगे इसकी वैल्यू वन आ जाएगी, और साइन इनवर्स जीरो अपॉन सेम जीरो ये भी वन आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा पाई, नीचे टू रूट टू, और यहां पर बचेगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज पावर फोर होल अपॉन एक्स। लिमिट जीरो प्लस, तो भाई साहब ये पाई अपॉन टू रूट टू, इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज पावर फोर होल अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहां पर कट जाएगा तो इसकी वैल्यू रूट टू आ जाएगी, तो भैया बड़ी मेहनत के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई पाई बाई टू, तो एफ एक्स की लेफ्ट लिमिट कितनी आ गई, फंक्शन तो ऑलरेडी पाई बाई टू, राइट हैंड लिमिट क्या आ गई। अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, चलो यहाँ एक लाइन खींच देते हैं छोटी सी ताकि लेफ्ट हैंड लिमिट इससे बिल्कुल अलग अलग हो जाए। चलिए बात करते हैं, ठीक है ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करनी है, लिमिट x अप्रोचेस जीरो माइनस। अब यहां पहले फ्रैक्शन x को डिफाइन कर लेते हैं, देखो फ्रैक्शन पार्ट x को हम लिख सकते हैं
x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लेकिन x जीरो से चेन एलिमिनेंट छोटा है, जीरो से चेन एलिमिनेंट छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन, तो ये चीज बच्चों आ जाएगी x प्लस वन। पहले चल लिमिट x जीरो माइनस, अब सुनो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स कितना जाएगा कॉस इनवर्स, तो यहां आ जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और उधर आ जाएगा साइन इनवर्स वन माइनस वन प्लस एक्स। अच्छा नीचे हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स बाहर निकाल लो, तो रूट टू टाइम्स वन प्लस एक्स एक बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा वन माइनस वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो वैल्यू रखते हैं, आओ एक चौक का इस्तेमाल कर लेते हैं, एक और रंग की चौक, एक्स को अगर जीरो रख दोगे तो कॉस इनवर्स जीरो बन जाएगा और कॉस इनवर्स जीरो की वैल्यू बेहतरीन पाई बाई टू आ जाएगी। अच्छा इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, तो इन दोनों को डायरेक्टली यूज कर लेंगे। अब देखो यहां पर देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो माइनस, इसकी वैल्यू पाई बाई टू रूट टू, तो पाई अपॉन टू रूट टू आ गई। इधर देखो ये बनेगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस साइन बाहर ले लेंगे और ऊपर की ओर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अरे नीचे इसको देखो, इसको मैनिपुलेट करें, यहां बच्चों हमारे सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वन माइनस वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको खोल देंगे तो वन माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आ जाएगा, तो माइनस एक्स को अगर बाहर ले लेंगे तो टू प्लस एक्स निकल के आ जाएगा, तो यहां पर यह चीज माइनस साइन एक और बाहर आ जाएगा एक्स, और यहां पर आ गया टू प्लस एक्स। उत्तर आंखों के सामने नाच रहा है, साइन इनवर्स जीरो अपॉन सेम जीरो वन, और टू प्लस एक्स की वैल्यू टू, तो टू दा फोर, तो इसकी वैल्यू आ गई पाई अपॉन फोर रूट टू, बहुत मेहनत मुहनत करने के बाद। अच्छा देखो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट तो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं है, तो कुल मिला के भाई साहब यहां बड़ा प्रेम पूर्वक हम कमेंट कर देंगे कि एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, साथ में जी एक्स के बारे में कमेंट करना है, आओ जी एक्स के बारे में देखें। यहां देखो जीरो या जीरो से बड़े पर तो एफ एक्स को लेंगे, तो यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जीरो ही हो जाएगी, और राइट हैंड लिमिट भी जो एक्स की राइट हैंड लिमिट है जीरो और जीरो से बड़े पर, तो आपका फंक्शन एफ एक्स ही आ रहा है, सोचो सोचो, तो एफ ऑफ जीरो ही जी ऑफ जीरो होगा, और जीरो से बड़े पर जो राइट हैंड लिमिट है वही जी एक्स की राइट हैंड लिमिट होगी। इसका मतलब कि ये जो एफ जीरो है यही जी जीरो के भी बराबर है, और जो राइट हैंड लिमिट आई है यही जी एक्स की भी राइट हैंड, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स लेस देन जीरो में एफ एक्स को टू रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो। इधर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में हो कुछ नहीं रहा है, जो एफ एक्स की लिमिट आई है वो टू रूट टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो टू रूट टू इंटू पाई अपॉन फोर रूट टू, बेहतरीन पाई बाई टू। तो भाई साहब जी एक्स की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जी एक्स की जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, और जी एक्स की जो राइट हैंड लिमिट है, तीनों बराबर है, तो कुल मिला के हम बोल देंगे कि जी एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एफ एक्स है डिसकंटिन्यूअस और जी एक्स है कंटिन्यूअस।